सब आए हो, कुछ और अच्छे ही रहे। तो गाइस कल रात 11 बजे के लगभग कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग व्हाट्सएप पे थे और किसी और से बातें कर रहे थे उनके मैसेज आना जाना बंद हो गए। जो इंस्टाग्राम पे थे उनके मैसेज आना जाना, इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया। और जो फेसबुक पे थे उनका भी फेसबुक बिल्कुल चलना बंद हो गया। अब पर वो जो फालतू बात करते हैं उनका तो साइड में रखते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे थे उनका तो कलेजा इट के हाथ में आ गया। तो भाई क्या हो गया भाई, बंद कैसे हो गए सारी चीज़ें? कुछ रात को 11 बजे सारी चीज़ें बंद हो गई थी, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। तो और ऑफकोर्स कुछ आधा और 1 घंटे के लिए ये बंद पड़ी हुई थी रात में 11 बजे से कम से समथिंग 12 या फिर 12:30 बजे तक ये बंद पड़ी रही थी। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ, और ऑफकोर्सली अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर क्या हुआ था, कैसे हुआ, और आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या फेसबुक और व्हाट्सएप बैन हो चुके होने वाले हैं, कहानी वहानी है, वो हम सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चुके सब्सक्राइब करके रख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हो टेक जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सीन आपको मैं पूरा समझा दूं अगर आपको नहीं मालूम हो। तो क्या हुआ था ना कि कल रात, अभी कल रात नहीं, मतलब जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये वीडियो कल शूट हुई है। ये वीडियो जिस दिन डली है ये वीडियो उसके एक दिन पहले शूट हुई है, तो उससे एक दिन और पहले रात में ये हुआ था। तो रात में क्या हुआ, मैंने भी पूरा सब कुछ झेला है कि क्या हुआ। मैं इंस्टाग्राम चला था रात में 11 बजे, ऑफकोर्स ही अपने आप कुछ मैंने स्क्रॉल वापस रिलोड मारा उसे तो पूरे पे एरर आने लग गया। मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, किसी को चैट करा तो भी एरर आ रहा था। मेरे वहाँ तक कि मेरा काम सारा रुक चुका था, 11 बजे सब कुछ बंद हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था। इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर और बाकी जो भी इंस्टाग्राम मतलब मार्क जुकरबर्ग की जो भी एप्स हैं वो सारी बंद हो चुकी थी। तो ये क्या है कि सब कुछ एक ही कंपनी के यानी फेसबुक के हैं ये सारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। तो अगर फेसबुक पे कुछ भी ग्लिच आता है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आ जाता है अपने आप। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा है उन्हें ट्वीट करके, तो मतलब कि हाँ ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जो हमने अब सॉल्व कर दिए और अब सारे हमारे ऐप अच्छे से चलने लगे, तो आप अपने खुशहाल ज़िंदगी के जैसे पहले नॉर्मल जैसे ऐप यूज़ करो। पर क्या है ना कि ये सारे ऐप जो भी हैं ये मतलब 1, 2, 3 ऐप हैं, ये कोई ऐसे 4, 5, 6 और 1,000 यूज़र वाले ऐप नहीं है कि जो मतलब बंद हो गया आपको 10 मिनट के लिए भी बंद हो गया कि तो किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी बंद हो गया बंद हो दो, रात में 11 बजे हुआ हो दो यार, क्या होता है, पर फर्क पड़ता है लोगों को। अब हाय शाय बाबू सोना वाले मैसेज तो बात उनके अलग है जो फालतू हैं, पर जिनके बिजनेसेस और बाकी जो चीज़ें उन पे टिकी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे उनको बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। अगर मतलब आधे 10 मिनट तो भाई इंसान कुछ भी कर सकता है, पर अभी ये सर्विसेज हुई थी रात में 1 घंटे तक बंद। ऑफकोर्स 45 मिनट या 55 मिनट्स तक ये सारी सर्विसेज बंद रही थी, तो बाकी फिर बाद में ऐसे रात में ही सॉल्व कर दिया गया। और सबसे थैंक मतलब उन्हें सॉरी भी कहा कि हमारी सर्विसेज बंद थी। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बस जो आपकी मतलब किसी भी एक ऐप के ऊपर निर्भर ना रहें, मतलब जैसे आपको किसी से मतलब वैसे बिजनेस वाली बात करनी है या कुछ भी करना है तो ज़रूरी नहीं आप फेसबुक के ऊपर ही डिपेंड रहें पूरा कि हाँ भाई इसमें मतलब कुछ मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि एक ही ऐप पे डिपेंड रहें पूरा, तो बाकी मतलब आपको सारे ऐपों पे डिपेंड मतलब अलग अलग तो रहना चाहिए। तो मतलब कि ये नहीं चला सर्वर डाउन हो गया तो हम दूसरा तो इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो ये हुआ था कल कुछ रात में। और बाकी मेरे को मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी, इसके कारण मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्या आपने रात में 11 बजे ये प्रॉब्लम फेस करी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर से बता देना। और फिलहाल अब आगे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी एक बार गूगल भी बंद हुआ था, जब भी गूगल थोड़ी सी देर के लिए बंद हुआ, बाकी मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक और ये तो मतलब बहुत देर के लिए अब 1 आवर्स तक बंद रहे थे। बाकी होता रहता है थोड़ा, इतना बड़ा सारा यूज़र बेस है उनका तो कुछ एरर आते रहते हैं। बाकी फिर ये बहुत जल्दी से और इनका फटाफट से बिल्कुल एरर को ठीक कर देते हैं और बाकी बाकी ऐप चलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी इंस्टाग्राम पे बहुत मीम बनने लग गए कि भाई ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक के लग गए पबजी के जैसे, वो भी गया और अब वापस नहीं आएगा बिल्कुल। और वो बाबू सोना वालों के तो जल्दी इधर से मैसेज भेजा हो, उधर से मैसेज मतलब नहीं आया, हम बंद जो सर्वर डाउन हो गया था उसके कारण। तो इन्हें ऐसा लगा कि भाई
हमको ब्लॉक कर दिया गया है। तो मतलब जिंदगी हालत मेरे को मालूम है, मैंने को किसी ने दे मैंने किसी को देखा नहीं है, पर मेरे को मालूम है इनकी हालत जान में मतलब जान हालत में आ गई होगी, इनकी उधर से मैसेज ना आया इसलिए। बाकी जो प्रॉब्लम थी वो सब कुछ अब सॉल्व हो चुकी है, सब कुछ पहले से चलने लग चुका है। और बाकी जो ट्वीट करके इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक ने मार्क ने सॉरी भी बोला है सबसे कि आगे ऐसी कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए हम इसके लिए पूरी से सावधानी रखेंगे। और बाकी जो है वो ठीक है यार, क्योंकि इतना बड़ा यूज़र बेस है तो कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी कभी ना कभी तो आती रहती है। गूगल में भी आई थी, गूगल तो बल्कि और इतना बड़ा ऐप है इन सबसे ही, बाकी उसमें भी आई थी। तो बस गैस मैंने आपको बता दिया कि कल रात को मतलब परसों रात को 11 बजे क्या हुआ था। मैं बहुत कल रात को बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो आज शूट हो रही है, मतलब एक दिन पहले शूट हो रही है तो मुझे ध्यान कल का ही है, तो इसलिए मैं बार बार कल बोल रहा हूँ। पर परसों रात को जो भी कुछ 11 AM से लेकर तो 11:30 ऑफकोर्स 12 बजे तक जो भी हुआ था वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आगे ऐसा होगा या नहीं। और भाई इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसा कुछ भी बैन वैन नहीं हो रहा है, ये खबर झूठियाँ फैल रही हैं इंस्टाग्राम पे और बाकी फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो भी फैल रही है। तो बस ये थोड़े थोड़ी देर के लिए एक हिस्सा था 1 घंटे का कुछ। और ट्विटर तो भाई खूब भरा गया था इनमें सोचे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लग गए, हैशटैग ट्रेंडिंग में जाने लग गए थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बैन कुछ नहीं होने वाला है, और अगर बैन भी होगा तो हम आपको पहले से ही खबर दे देंगे। उसके लिए आप हमारा बेल आइकन जरूर से दबा के रखना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो बस गए आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब करके रख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।